हे दोस्तों, वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। विमेंस बिग बैश लीग का मैच नंबर 8 हम लोग कवर करें। सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में मैच है। दोनों ही टीम्स की हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। थंडर की दोनों दो मैच का खेले हैं, एक होबार्ट के अगेंस्ट में हारा है और एक अगर होबार्ट के अगेंस्ट में विन किया है। और विन कहाँ किया है, इनके होम वेन्यू पे नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में। एडिलेड स्ट्राइकर दो मैचेस खेली है, एक हीट के अगेंस्ट में हारे हैं और सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट में बहुत अच्छे से इन्होंने डिफेंड किया था। और इस मैच के अंदर स्क्वाड में चेंजेस हुए हैं, तो आपको विकेट कीपर ऑप्शन से कुछ प्लेयर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उसके बारे में हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर बैटर्स अच्छा करते हैं, प्लस पेसर्स को मदद होती है, तो ये बात आप अगेन ध्यान रखिएगा, पेसर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं। मैं अपनी एक्सेल शीट आपको बताता हूँ, तो ये आप मेरी एक्सेल शीट एक बार देखिए। यहाँ से स्क्रोल डाउन बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, शिफ्ट के साथ में, एक मिनट रुकिएगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जो बताया था, एक मिनट, ये देखिए स्कोर्स में आपको बता रहा कि स्कोर्स यहाँ पर बनते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम इन आपके लिए करता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। स्कोर्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, 171, 189, 166, 204, 146, 140, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ ये शीट अपनी, जो ये भी क्लियर कर रहा हूँ आपको कि पेसर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं, स्पिनर्स के लिए उतनी ज्यादा मदद इस विकेट पे नहीं है। आप देखेंगे लास्ट मैच जो हुआ सिडनी और होबार्ट के बीच में क्या हुआ, एक विकेट स्पिन को यहाँ मिला और दो विकेट स्पिनर को सेकंड इनिंग में मिले। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, पेसर्स को यहाँ पर 5 विकेट और 4 विकेट, यानी 9 विकेट स्पिन पेसर्स को जो मिले हैं, दैट मीन्स की क्लियर साइन है यहाँ पर स्कोर तो बनता ही है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा असिस्ट है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। ठीक है, हमेशा विमेंस के गेम में होता क्या है, आपको स्पिनर्स ज्यादा नजर आते हैं परफॉर्मेंस करते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि पेसर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस स्कोर क्यों बनता है यहाँ पे, इसके पीछे भी अपन क्लियर रीजन देखते हैं, रीजन क्या है उसके बीच में, और पेसर्स को विकेट क्यों मिल रहे हैं। एक तो ग्रास कवरिंग विकेट है पूरी, ठीक है, पहली चीज पेसर को इसलिए यहाँ पे मदद मिल रही है, स्पिनर्स को कम विकेट इसलिए मिल रहे हैं। प्लस स्कोर क्यों बन रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटी बाउंड्रीज है, 51 मीटर की, 57, 59, 58, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अब जब इतनी ज्यादा शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, तो एडिलेड स्ट्राइकर की लोरा वुल्फर्ड को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो हीटर है, दो मैचेस हो गए हैं उसके, फ्लोप गई हुई है, वो इस मैच में जरूर बैक करने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिडनी थंडर की बात करते हैं, सेम स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है, जो 13 मेंबर का स्क्वाड था। एडिलेड स्ट्राइकर ने 13 मेंबर का स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया, एक चेंजेस इन्होंने किया है। लास्ट मैच में अच्छा खेल रही थी ब्रिज पैटरसन, वो इंजर्ड हो गई थी तो उनको बाहर किया है, एने और नेल उनके प्लेस पे खेलती हुई आपको नजर आने वाली है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड की, 17 मैचेस हुए हैं, 6 विन किए हैं यहाँ से सिडनी थंडर ने और 8 मैचेस विन किए एडिलेड स्ट्राइकर ने। वेन्यू के ऊपर एक ही बार हुआ, यानी सिडनी ओवल के अंदर एक बार खेले हैं, उसमें भी एडिलेड स्ट्राइकर ने विन किया है। थंडर की प्लेइंग 11 प्रोबेबली सेम होनी चाहिए, कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए। आपके बीच आपके मन में जब टीम क्रिएट करेंगे तो एक ही कंफ्यूजन आएगा, ताहिलिया विल्सन को ले या अन्य ओनील को ले। तो ताहिलिया विल्सन जो कि कभी कभी ऊपर भी बैट कर लेती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ताहिलिया विल्सन के साथ में अपनी टीम जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। अब ये ताहिलिया विल्सन या गलत मेंशन है, ठीक है, हीदर नाइट ओवरसीज प्लेयर है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना रहेगा, देखो चमारी अत्तापत्तू सभी की टीम में होगी, एक ये तीन है, तीन में से हीदर नाइट है, फिबिल इशफील्ड है, दो में से एक प्लेयर रहेगा। ठीक है, एक यहाँ से और इन दोनों में से एक, दो थर्ड आ जाएगी ताहिलिया विल्सन, क्योंकि एन और नील के साथ में बहुत कम लोग जाएंगे, तो तीन। फिर यहाँ से हमारे पास में 4, 5 और 6 प्लेयर्स यहाँ से बनते हैं। सेवंथ प्लेयर अगर आप लोग लेना चाहें तो सैमी जो जॉनसन के साथ में जा सकते हैं। सिडनी थंडर के जो 13 मेंबर का स्क्वाड है, उसमें बेंच पे पेरिस बोल्डर और क्लेयर मूर है। सिडनी थंडर के लिए पावर प्ले में शबनम इस्माइल, समंथा बेट्स और सैमी जो जॉनसन और चमारी अत्तापत्तू कर रही है, यानी एक स्पिन के साथ, दो स्पिन के साथ में और एक पेसर के साथ, दो पेसर के साथ में ये टीम पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है। ठीक है, इसमें पावर प्ले भी बहुत छोटा छोटा ही है। ठीक है, आपको पता है कौन सा है, 4 ओवर तो वो और 2 ओवर पावर सर्ज के, तो बिल्कुल बटा हुआ है पावर प्ले, लेकिन जो शुरुआत में मूवमेंट मिलता है तो हम लोग वही है 6 ओवर को कंसिडर कर रहे हैं पावर प्ले। ठीक है, 4 ओवर का ही वैसे होता है, ध्यान रखें 4 ओवर स्टार्टिंग के वो और 2 पावर सर्ज के ओवर है। डेथ फेज की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, शबनम इस्माइल, चमरी अत्तापत्तू, सैमी जो जॉनसन और समांथा बेट्स आपको डेथ फेज में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। एडिलेड स्ट्राइकर की बात करते हैं, यहाँ पर एक चेंजेस देखने को मिलेगा, ब्रिज पैटरसन नहीं खेलेंगी, उनके प्लेस पे एनी और नील आ जाएंगी, कैटी मैक, लोरा वुल्फर्ट, मेडलिन अपेना और यहाँ से ताहिलिया मैकग्रैथ, फिर नील, प्रेंडरकास्ट, अमांडा जेड वेलिंगटन, जेमा बार्सबी, मैगन शूट, मुशांगवे और डार्सी ब्राउन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके मन में यही बनेगा टीम बनाते वक्त कि किसके साथ में जाया जाए, मुशांगवे को ले 3 विकेट लिए जिसने लास्ट मैच में, या फिर डार्सी ब्राउन को ले जिसने 2 विकेट लिए थे। अब मैंने तो प्रीफर किया था यहाँ से डार्सी ब्राउन को, क्योंकि मुशांगवे का सिलेक्शन कम था,
और ये इसी पिच है जहां पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं है। तो आई थिंक ये आप डार्सी ब्राउन के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इनको भी अवॉइड करके आप मेगन शूट के साथ में जाइए। अमांडा वेलिंगटन है, ओपेंडरगास्ट है, फिर ताइला मेग्रा और लोरा वुल्फार्ट है, इनके साथ में आप लोग जा सकते हैं। बैटिंग विकेट है, बैटर्स अच्छा करते हैं, इसलिए ओपनर के बैटर्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, बारिश आती है, शॉर्ट गेम होता है, तो आप टॉप ऑर्डर के बैटर्स को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो 15 पॉइंट भी देंगे तो मेरे ख्याल से दूसरे लोअर ऑर्डर वाले बैटर्स से ज्यादा पॉइंट दे देंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं पॉइंट्स बताता हूँ, वो नोट करके चलिए, आप लोग अच्छे खासे विनिंग जोन में ही रहेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ, ये 13 मेंबर का स्क्वाड है। पावर प्ले में मेगन शूट डार्सी ब्राउन मुशांग में करेंगी, डेथ फेज के अंदर अमांडा वेलिंगटन है, मेगन शूट है, डार्सी ब्राउन और मुशांग भी आपको बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। हेड टू हेड में किसने स्कोर किया, हेड टू हेड में वुल्फार्ट का एवरेज काफी बेटर है, 50 के अराउंड का टोटल एवरेज है इनका, लगभग 8 मैचेस में 284 मस्ट होंगी। छोटी बाउंड्री है, वाइस कैप्टन की अच्छी कंटेंडर है, मिनी ग्रैंडली खेल रहे हैं, वाइस कैप्टन सीधा बना दीजिएगा। ब्रिज पैटरसन नहीं खेलेगी, ताइला मैकग्रा रखना पड़ेगा क्योंकि एक आध ओवर डाल ही देती है ये, और जब विकेट मिलेंगे तो ये 2 से 3 ओवर भी आपको डालती हुई नजर आएंगी। ठीक है, कभी डार्सी ब्राउन के ओवर कम हो जाएंगे, कभी लाइक मुशांग के ओवर कम हो गए, तो ये बॉलिंग करती हुई नजर आ सकती है। केटी मैक रख सकते हैं बैटिंग कंडीशन से, और बाकी हिदा नाइट और फिविल इचवेल में से कोई एक रखेंगे, बाकी आपके सामने डेटा है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, हेड टू हेड के और भी बॉलिंग में किसने परफॉर्मेंस किया, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हेड टू हेड में मैं ज्यादा आपके इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, मैं वेन्यू के ज्यादा फॉलो करता हूँ। चमार यत्तापतु का एवरेज यहाँ पर अच्छा ही है, मस्ट होगी, अवॉइड नहीं करना है। फिविल इचवेल का एवरेज भी अच्छा है, बैटिंग ऑर्डर को अगर कंसिडर करें तो फिविल इचवेल अगर पूरा गेम हो रहा है तो हिदन नाइट कुछ 1 से 2 ओवर डाल सकती है, तो वो थोड़ा सा रिस्क उनके साथ में रहता है क्योंकि लास्ट सीजन भी 9 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बॉलिंग किया था आउट ऑफ 14 मैचेस, तो वो रिस्क रहेगा। तो लिचफील्ड और हिदन नाइट में से एक बॉल आपकी रहेगी, मैं हो सकता है हिदन नाइट को प्रीफर कर जाऊं, ये चांसेस है ना फुल गेम होगा, तो फुल गेम नहीं हुआ ओवर्स कम हुए तो फिर मैं फिविल इचवेल के साथ में ही जाना प्रीफर करूंगा। अब यहाँ से चमारी यत्तापट्टू, कैटी मैक आई थिंक प्रीफर करना चाहिए आपको, वुल्फार्ट को भी रखना चाहिए, हिदन नाइट देखेंगे, ताहिलिया विल्सन मस्ट होंगी, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, बॉलिंग की तरफ से सैमी जो जॉनसन 17 में 20, डार्लिंगटन लास्ट मैच में भी अच्छा गया 12 मैचेस में 16, अमांडा वेलिंगटन 11 में 13 विकेट्स लिए हैं, बाकी मैगन शूट है 10 में 14 विकेट्स इन्होंने भी निकाले हैं, तो पेसर्स जनरली अच्छा करेंगे इस विकेट पे, तो पेसर्स इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। ठीक है, प्ले अप रिसेंट फॉर्म भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिविल इचवेल लास्ट मैच में 8 रन पे ही आउट हो गई थी, एडम्स तो खैर आपको नजर नहीं आएगी, चमारी यत्तापट्टू मस्ट होंगी, 38 का स्कोर गया, सैम बेट्स क्योंकि पावर प्ले डेथ में बॉलिंग करती मस्ट होंगी, फिर बाकी यहाँ से हना डार्लिंगटन को कंसिडर किया जा सकता है, शबनम इस्माइल को रखना पड़ेगा क्योंकि इस विकेट पे मदद है काफी पेसर्स को, सैमी जो जॉनसन देखते हैं इंक्लूड कर पाते हैं नहीं क्योंकि बैटिंग बैकअप ये देती है, थाइलिया विल्सन को रखना पड़ेगा। हिदन नाइट लास्ट मैच में तो 48 किया था, अब इस मैच में देखते हैं, फुल गेम होगा तो हम लोग कंसिडर जरूर करेंगे, वो पकैशियल वगैरह इनको तो हम लोग अवॉइड ही करने वाले हैं। एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से बात करते हैं, ताहिला मैकग्रा एक ओवर डाला था लास्ट मैच में, 5 रन किया था, फिर भी मस्ट होगी, बासबी को अवॉइड कर सकते हैं, डार्सी ब्राउन देखते हैं मुशांगवे और ब्राउन में से किसको प्रीफर करेंगे, अमांडा वेलिंगटन मस्ट होंगी, मैगन शूट प्रीफर करना ही पड़ेगा, इवन वाइस कैप्टनसी की अच्छी कंटेंडर होती है स्मॉल कॉन्टेस्ट में भी, वुल्फार्ट रखना पड़ेगा, 2 मैचेस से अच्छा नहीं किया लेकिन इस मैच में बैक करेगी खुद को, कैटी मैक वुल्फार्ट दोनों में से एक तो अच्छा करने वाला है डेफिनेटली, तो दोनों को मस्ट रखना चाहिए स्मॉल कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, तो स्मृति मानना अभी आई नहीं है, बाकी मुशांगवे ने 3 विकेट निकाले थे, और ब्रिज पैटर्नसन नहीं खेलेगी, पेन्ना मेगा कॉन्टेस्ट की 1-2 टीम में रखने वाले हैं, पेंडरगास्ट मस्ट होंगी, फिर बाकी कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। मैचअप्स की बात करते हैं, लेफ्टी बैटर से दोनों फिविल इचवेल चमारी यत्तापट्टू अगेंस्ट द स्पिन, दोनों के नंबर्स थोड़े हल्के ही नजर आएंगे स्पेशली लेग ब्रेक बॉलिंग के अगेंस्ट में। हाँ, यहाँ पे देखिए 2 बार डिसमिस हो चुकी है, 28 रन नहीं कर पाई है और 2 बार डिसमिस हो चुकी है, तो अच्छा एवरेज नहीं है पेस के अगेंस्ट में, तो फिविल इचवेल अच्छा नहीं करती, खेल थोड़ा मिड में आ रही है, तो हो सकता है स्पिनर्स ज्यादा फेस करने को मिले, लाइक ताहिलिया मेघरात वगैरह हो गई, वो इनको फेस करने को मिल जाएगी, तो एक एडवांटेज इनके पास में है। अगर अर्ली विकेट जाते हैं तो फिर मेगन शूट को भी ये फेस करेंगी, तो आई थिंक कि लिचफील्ड और हिदन नाइट में से एक के साथ में ही आपको जाना चाहिए, चमारी तो मस्ट होंगी, अवॉइड नहीं कर सकते, जॉर्ज वॉल अवॉइड करेंगे, ताहिलिया विल्सन रखना पड़ेगा मस्ट है, सैमी जो जॉनसन हिदन नाइट में से, सैमी जो जॉनसन और हिदन नाइट दोनों में देखते हैं टीम के वक्त है ना कैसे बना सकते हैं। बाकी मैचअप्स की तरफ जाएंगे तो अगेंस्ट द स्पिन हिदन नाइट के नंबर अच्छे नहीं है, और लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट में भी आउट हुई है, मुशांग बेगी के अगेंस्ट में भी, देख लेंगे किसको रखना है। ठीक है, एडम्स लियोट दोनों नहीं खेलने वाली, कैटी मैक और लोरा वुल्फर्ट,
मैं ये सोच रहा हूँ इस मैच में कि दोनों को अपनी टीम में लेकर चलूं, क्योंकि और इसका इस मैच के अंदर मिनी कॉन्टेस्ट पे ज्यादा ध्यान रखना है, स्मॉल कॉन्टेस्ट हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। थाइलिया मैकरात और यहाँ से ब्रिज पैटरसन, ब्रिज पैटरसन तो नहीं खेलेगी, और थाइलिया मैकरात बॉलिंग नहीं कर रही है, एक आध ओवर ही डाल रही है, ज्यादा ओवर्स नहीं कर रही है, तो एज अ बैटर आप लोग पिक कर सकते हैं। सीवीसी का रिस्क कभी ना ले तो बेटर है, ठीक है। मैं पेन्ना वगैरह ये देखते हैं, पेन्ना को कैसे रोटेट करेंगे, पेंडरगास्ट मस्ट होंगी, और किसी को ओवरऑल रिकॉर्ड्स देखने हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं, ये ओवरऑल रिकॉर्ड्स है ना। अगर आपको मेरा फेस दिख रहा था तो आप लोग ये देख लीजिए ना, मैंने खैर अपना फेस हटा ही लिया था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए किसका कैसा स्कोर्स है, ओवरऑल डेटा है इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले का, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट नहीं होता, ये हर हर अगर डे में अपडेट करेंगे तो बहुत लेंथी वर्क हो जाता है और वीडियोस नहीं बन पाती है, ठीक है। आप लोग 0.75 पे स्पीड करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैं सीधा बढ़ता हूँ अपनी टीम्स की तरफ, कैसे आपको टीम्स जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैच का ये रन 10-15 पे स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से टीम बनाते हैं। एक टीम मैंने जो आपके लिए बना के रखी है वो कुछ इस तरीके से है, अगर पेसर्स को मदद हुई स्कोर्स नहीं बना देन क्या होगा, टायरिया विल्सन विकेट कीपर सेक्शन से आपको रखनी पड़ेगी। मैं अगेन आपको यहाँ से लाइनअप से बताता हूँ कि जो ब्रिज पैटरसन है 81% सिलेक्शन है, नहीं खेलने वाली है, ठीक है। और मुशांगवे डार्सी ब्राउन दोनों के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, चाहें तो ब्राउन को रख सकते हैं, अदरवाइज स्पिनर्स के लिए मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा हेल्प होगी, तो मैं अभी अवॉइड करके ही चल रहा हूँ। मैंने सेमी जो जॉनसन को प्रीफर किया है, फिर भी लिचफील्ड हिदल नाइट दोनों को नहीं लिया था, ठीक है। आप चाहें तो ले सकते हैं, देखो हिदन नाइट को फिबी लिचफील्ड को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक विकेट भी अगर कोई पैसा लेके जाएगा तो फिर हमारे लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो फिबी लिचफील्ड को डाल सकते हैं अपनी टीम के अंदर, तो ये टीम आपका जो है वो बन सकता है स्मॉल कॉन्टेस्ट में। मुझे पता है कैटी में काफी लोग अवॉइड करेंगे और नहीं लेके आएंगे, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जिन्हें पता है कैटी में किस टाइप की प्लेयर है, वो लोग लेके आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ इस मैच में मिनी ग्रैंड लीग आपको टारगेट करनी चाहिए, स्मॉल कॉन्टेस्ट में इन्वेस्टमेंट करें नहीं के बराबर है ना। एक कॉन्टेस्ट स्मॉल कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं 2-3 मेंबर का, तो बाकी जो टीम्स आप लोग लगा रहे हैं वो आप लोग किस में लगाइए, दो मल्टीपल कॉन्टेस्ट मल्टीपल टीम्स बनाइए और 25 मेंबर्स के अंदर ज्वाइन कीजिए, वहां आपकी रैंकिंग्स आएगी। एक में कैटी मैक को रखना पड़ेगा आपको, और एक में विदाउट कैटी मैक और हीदन नाइट, ठीक है। इस तरीके से टीम बनेगी, फिलहाल टीम मेरी बन रही है चमारी अथापत्तु, मेरी टीम की कैप्टनसी बन रही है क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है। वाइस कैप्टन इवन आप लोग जा सकते हैं लोरा वुल्फार्ड के साथ में, इस मैच के अंदर ये कर सकते हैं ना, मैं मेगा शूट के साथ में जा रहा हूँ इस पिच को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये मेरी एक टीम बन रही है जो कि आप लोग इवन किस में रख सकते हैं, स्मॉल कॉन्टेस्ट में सेफ जाने के लिए फिबी लिचफील्ड को रखा है, अदरवाइज आप लोग सेमी जो जॉनसन को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये मेरा एक टीम है। अब मिनी कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो आपको वही है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा किसी एक बैटर पे। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सैमी जो जॉनसन को अपनी टीम में बैक कर ले रहा हूँ, ये मेरी एक और टीम बन जाएगी। अगेन ये मिनी कॉन्टेस्ट के अंदर आप लोग टीम जो है यूज कर सकते हैं। देखो बारिश हुई, वेदर फोकास्ट क्लियर नहीं हुआ, बारिश के चांसेस हुए या फिर मैच से पहले बारिश आई, तो कुछ एक आध प्लेयर ऊपर नीचे होगा, तो इस मैच में मिनी कॉन्टेस्ट टारगेट करना है और टेलीग्राम से आपको जरूर जोड़ना है, वहां पर मैं टीम्स दूंगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चीजें सेम ही रखनी चाहिए, हमें कुछ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये दो टीमें हैं, और अगर बैटर्स को एडवांटेज रहा, वैसे तो रह गई है लेकिन बहुत अच्छा एडवांटेज रहा, तो आपके पास में यही चॉइस बचेगी कि आप लोग कैटी मैक प्लस लोरा वुल्फार्ड दोनों को प्रीफर करेंगे, और फिर यहाँ से तीनों बॉलर मेरी टीम में, दोनों तीनों को ड्रॉप नहीं कर सकता, तीनों में तो डेथ में गेंदबाजी करेंगी और यहाँ से भी किसी को नहीं, तो ये मेरी एक और टीम बन जाती है। इसमें आपकी कॉल लगी है ना, कैटी मैक फिबी लिचफील्ड और हिदन नाइट में से मैं कैटी मैक को थोड़ा प्रीफर कर रहा हूँ मेगा कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चमारी अथापत्तु अगेन बेटर ऑप्शन है, वाइस कैप्टन लोरा वुल्फार्ड के साथ में मैं जा रहा हूँ, ये मेरी मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनती है, कैप्टन अथापत्तु वाइस कैप्टन लोरा वुल्फार्ड, ये बहुत ज्यादा रिस्की टीम होगी, प्रॉपर बेटर के साथ में जा रहा हूँ इसलिए, लेकिन मुझे पता है वुल्फार्ड बैक करती है और छोटी बाउंड्रीज है, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी प्ले करेगी तो आपको स्कोर दिला देगी, तो ये मेरी टीम बनती है मेगा कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। ये तीन टीमें बन चुकी हैं और मेगा कॉन्टेस्ट मिनी कॉन्टेस्ट दोनों का मैंने आपको बता ही दिया है। ब्रिज पैटरसन नहीं खेलेगी, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। और क्या कर सकते हैं इसमें, कैटी मैक की प्लस पे फिबी लिचफील्ड को लेके अगेन सेम कॉम्बिनेशन भी आप लोग रहने दे सकते हैं। प्रेंडरगास्ट अब बॉलिंग कितने ओवर कर रही है, बॉलिंग डाल तो रही है 3 से 4 ओवर, लेकिन बॉलिंग में विकेट इनको कहाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आयरिश प्लेयर है ज्यादा विकेट मिलते नहीं है, अब इसमें से किसी को कर सकते हैं क्या, बहुत ज्यादा रिस्क लेना है। तो अमांडा जेड वेलिंगटन जिनके नंबर्स अच्छे हैं, इनको भी हम लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन रिस्की ही होगा मैं तो कह रहा हूँ।
आप लोग मेगा कॉन्टेस्ट में नंबर ऑफ वेरिएशन ट्राई करने पड़ेंगे हर एक प्लेयर, लाइक वेलिंगटन हो गई, मैगन शूट हो गई, एक प्लेयर हो जाएंगी हमारी शुभमन स्माइल, जो कि जिनको ये विकेट भाएगा और डेथ फेज में बॉलिंग भी करती हैं अच्छी पैसे बॉलिंग फर्स्ट में। आप लोग इवन वाइस कैप्टन भी यहाँ से कर सकते हैं शबनम इस्माइल को। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। उम्मीद है आप लोग फॉलो करेंगे टिप्स और ट्रिक्स को और अच्छा विनिंग करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।